विशेष राज्य के दर्जे की मांग के साथ साथ कई प्रमुख मुद्दों को लेकर आज जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राजभवन मार्च की तैयारी कर बैठे हैं। और पटना के जेपी कोलंबर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह की पुलिसिया तैयारी है। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पुलिस अमला पूरी तरह से तैयार है कि जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह राजभवन की ओर न बढ़ने दिया जाए। मौके पर वाटर कैनन के साथ साथ पुलिस अधिकारी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ एआरबी की टीम को भी लगाया गया है कि एआरबी की टीम किसी भी विकट परिस्थिति से निपट सके। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उपद्रवी अगर राजभवन की ओर बढ़ते हैं तो उन उपद्रवियों को रोका जा सके, तो दूसरी ओर जो मार्च में शामिल महिलाएं हैं उन्हें रोकने के लिए महिला पुलिस बल को भी यहां लगाया गया है। और पूरी तरह से वाटर कैनन के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी हैं वो पटना के जेपी गोलंबर पर कैंप कर रहे हैं और पूरी तरह से यह एहतियात रख रहे हैं कि कोई भी प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर न बढ़ सके। हालांकि पप्पू यादव ने साफ तौर से ऐलान किया है कि यह मार्च पटना के जेपी गोलंबर से चलकर राजभवन तक जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिस इस जत्थे को रोकने में कैसे सफल होती है। देशवा न्यूज़ के लिए फिलहाल पटना से मैं नियस त्रिपाठी।